इस वीडियो में देखेंगे नेजल सेप्टम के बारे में। ठीक है, नेजल सेप्टम होता क्या है? तो एक सेप्टम होता है जो नेजल कैविटी को राइट और लेफ्ट पार्ट में डिवाइड करता है। ठीक है, अब ये नेजल सेप्टम एक ओस्टियो कार्टिलेजिनस फ्रेमवर्क होता है। ठीक है, ओस्टियो कार्टिलेजिनस फ्रेमवर्क होता है जिसमें बोन्स और कार्टिलेज इन्वॉल्व होकर नेजल सेप्टम बनाते हैं। अब नेजल सेप्टम के तीन पार्ट्स टोटल, सबसे पहला कॉलमेलर सेप्टम, फिर मेम्ब्रेनस सेप्टम और फिर सेप्टम प्रॉपर। इन तीनों के पार्ट्स मैं इमेज में आपको दिखाता हूँ। तो यह है पूरा नेजल सेप्टम की एनाटॉमी। ठीक है, सबसे पहले पार्ट कौन सा था? कॉलमेलर सेप्टम। ठीक है, कॉलमेलर सेप्टम प्रेजेंट कहाँ पे होता है? मोस्ट एंटीरो इन्फीरियर पार्ट। ठीक है, एंटीरो इन्फीरियर पार्ट ऑफ द नोज में कॉलमेलर छोटा सा पोर्शन ऑफ कार्टिलेज होता है जिसको बोलते हैं कॉलमेलर सेप्टम। अब दूसरा था मेम्ब्रेनस सेप्टम। मेम्ब्रेनस सेप्टम कहाँ पे प्रेजेंट होता है? तो कॉलमेलर सेप्टम और सेप्टल कार्टिलेज होता है उन दोनों के बीच में ये मेम्ब्रेनस सेप्टम प्रेजेंट होता है। अब इसमें मेम्ब्रेनस सेप्टम में ना ही कोई बोन होता है ना ही कोई कार्टिलेज होता है, यहाँ पे सिर्फ डबल लेयर ऑफ स्किन प्रेजेंट होती है। तो इसकी वजह से ये जो मेम्ब्रेनस सेप्टम और कॉलमेलर सेप्टम है ये दोनों फ्रीली मूवेबल है। ठीक है, ये दोनों सेप्टम के ये दोनों पार्ट मेम्ब्रेनस और कॉलमेलर सेप्टम दोनों फ्रीली मूवेबल है। यहाँ मेम्ब्रेनस में सिर्फ डबल लेयर ऑफ स्किन प्रेजेंट होती है। अब तीसरा था सेप्टम प्रॉपर। ठीक है, सेप्टम प्रॉपर एक पूरा अपने आप में एक ओस्टियो कार्टिलेजिनस फ्रेमवर्क है जहाँ पे बोन और कार्टिलेज दोनों प्रेजेंट होता है। जो कार्टिलेज होता है वो सिर्फ एक कार्टिलेज प्रेजेंट होता है, ये सेप्टल कार्टिलेज। ठीक है, सेप्टम प्रॉपर कौन सा है? तो ये पूरा। ठीक है, मेम्ब्रेनस और कॉलमुलर के अलावा इसके अलावा ये पूरा है नेजल सेप्टम प्रॉपर है। उसमें कार्टिलेज और बोनी, सबसे पहले कार्टिलेज में सेप्टल कार्टिलेज। ठीक है, क्वाड्रिलेटरल शेप कार्टिलेज है, वो है सेप्टल कार्टिलेज। अब बोन्स कौन कौन से है? तो जो मेन दो बोन्स है जो मेजर पोर्शन ऑफ नेजल सेप्टम बनाते हैं वो है परपेंडिकुलर प्लेट ऑफ इथमॉइड और वूमर बोन। ठीक है, ये जो परपेंडिकुलर प्लेट ऑफ इथमॉइड है यहाँ इथमॉइड बोन प्रेजेंट होता है। ठीक है, इथमॉइड बोन से नीचे प्रोजेक्ट करता है यहाँ पे परपेंडिकुलर प्लेट ऑफ इथमॉइड। और जो वूमर बोन होता है वो अनपेड फेशियल बोन होता है। ठीक है, पार्ट ऑफ द फेशियल बोन। तो ये दोनों मेन बोन्स है जो मेजर कंट्रीब्यूशन करते हैं नेजल सेप्टम में। अब बाकी जो स्मॉल स्मॉल माइनर कंट्रीब्यूशन करते हैं नेजल सेप्टम में वो कौन कौन से? तो ऊपर से देखें तो यहाँ पे ये दो बोन्स है। ठीक है, ये वाला फ्रंटल बोन, ये वाला नेजल बोन। फ्रंटल नेजल स्पाइन ऑफ फ्रंटल बोन और क्रेस्ट ऑफ नेजल बोन। ठीक है, ऊपर नेजल और फ्रंटल बोन, पीछे की साइड यहाँ पे स्पिनर बोन होता है। ठीक है, स्पिनर बोन का छोटा सा प्रोजेक्शन जिसको बोलते हैं रोस्ट्रम ऑफ स्पिनर। ठीक है, ऊपर फ्रंटल बोन और नेजल बोन, पीछे स्पिनर बोन का रोस्ट्रम ऑफ द स्पिनर बोन। अब नीचे की साइड मैक्सिला और पैलेटाइन बोन। मैक्सिला के दो पार्ट, मैक्सिला में एंटीरियर नेजल स्पाइन ऑफ मैक्सिला और क्रेस्ट ऑफ मैक्सिला आगे। ठीक है, नीचे की साइड बट आगे उसमें एंटीरियरली और नीचे की साइड पोस्टीरियरली क्रेस्ट ऑफ द पैलेटाइन बोन। तो ठीक है, ये थे नेजल सेप्टम के पार्ट। सबसे पहले आगे था एंटीरियर इन्फीरियर पार्ट ऑफ द नोज में कॉलमुलर और सेप्टल कार्टिलेज और कॉलमुलर कार्टिलेज के बीच में मेम्ब्रेनस सेप्टम और सेप्टम प्रॉपर कम से उसमें से एक कार्टिलेज था और एक बोन था। ठीक है, कार्टिलेज था और एक बोन था। कार्टिलेज कौन सा था? सिर्फ एक सेप्टल कार्टिलेज। बोन कौन कौन से थे? जो मेन बोन थे वो था इथमॉइड की परपेंडिकुलर प्लेट और नीचे वूमर बोन। ठीक है, ये दोनों मेन बोन्स थे जो मेजर कंट्रीब्यूशन करते हैं नेजल सेप्टम में। बाकी माइनर कंट्रीब्यूशन कौन करता था? ऊपर की साइड फ्रंटल बोन और दूसरा नेजल बोन। ठीक है, नेजल स्पाइन ऑफ फ्रंटल बोन और क्रेस्ट ऑफ द नेजल बोन। उसके बाद पीछे की साइड में कौन था? स्फिनॉइड। स्फिनॉइड बोन का कौन सा पार्ट? रोस्ट्रम। ठीक है, रोस्ट्रम ऑफ स्फिनॉइड। अब नीचे की साइड कौन सा था? नीचे की साइड मैक्सिला था और पैलेटाइन बोन था। मैक्सिला के भी दो पार्ट थे, एंटीरियर नेजल स्पाइन ऑफ मैक्सिला और क्रेस्ट ऑफ मैक्सिला। पैलेटाइन का सिर्फ क्रेस्ट। ठीक है, ये हो गया पूरा नेजल सेप्टम की एनाटॉमी। अब जो सेप्टल कार्टिलेज होता है ये बेसिकली जो डोर्सम ऑफ द नोज होता है, डोर्सम और टिप ऑफ द नोज होता है, उनको सपोर्ट प्रोवाइड करता है। ठीक है, अगर सेप्टल कार्टिलेज में कोई डैमेज या डिफेक्ट आ गया
या उसका स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम आ गई तो क्या होगा, डिप्रेशन ऑफ द डोर्सम ऑफ द नोज हो जाएगा, ठीक है, या ये कोलैप्स हो जाएगा, उसकी वजह से डिप्रेशन ऑफ द डोर्सम ऑफ द नोज हो जाएगा। अब ये सेप्टल कार्टिलेज कौन से ग्रूव में प्रेजेंट होता है, बोनी, कौन से बोनी सपोर्ट में प्रेजेंट होता है, तो वो है परपेंडिकुलर प्लेट ऑफ इथमॉइड, वूमर और ये एंटीरियर नेजल स्पाइन, ठीक है, एंटीरियर नेजल स्पाइन ऑफ मैक्सिला, वूमर और ये परपेंडिकुलर प्लेट ऑफ इथमॉइड, ठीक है, यहाँ पे प्रेजेंट होता है इसके ग्रूव में, बोनी ग्रूव में। अब अगर कोई ट्रॉमा या पंच लाइन फोर्स, ठीक है, कोई भी एक्सटर्नल फोर्स की वजह से अगर ये ग्रूव में से अपनी जो पोजीशन है वहाँ से डिसलोकेट हो गया तो उसकी वजह से क्या होगा, डिविएटेड नेजल सेप्टम, ठीक है, DNS, नेजल सेप्टल डिविएशन होगा। तो उसके बाद में कॉम्प्लिकेशंस क्या है वो तो डिटेल में पढ़ेंगे बाद में, मेन जो कॉम्प्लिकेशन होगा वो नेजल ऑब्स्ट्रक्शन। तो किसकी वजह से होता है, सेप्टल कार्टिलेज के डिसलोकेशन की वजह से मेनली होता है, DNS, डिविएटेड नेजल सेप्टम।